घुसने के बाद उन्होंने ऐसे उसको प्रेस प्रेस करा दो तीन बार, तो ये जो यहाँ वाला जो लॉक है ये ऑटोमेटिक पर्सन चोरी होने के चांस हमारे लिए हो जाएंगे, ठीक है। बोला भैया फिर तो आप घर बैठे कर लिया करो ये काम, तो उसने मेरे को तरीका बता दिया कि आपको कैसे कैसे करना। रात को लिटरली 12 बजे मैंने उनको फ़ोन करा था, तब भी उनका फ़ोन लग गया और उन्होंने मुझे पूरी गाइड करी सब ओला वाले सर्विस वालों से। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ से जाएगी तो भैया 2-3 हज़ार रुपये लग जाएंगे। मैंने गाड़ी को लटाई और नीचे जहाँ पे हब मोटर लगी हुई मैंने वहाँ हाथ डाल के दो। हेलो गाइज, तो ओला S1X अब सबको धीरे धीरे रिसीव हो रही है और जिनका अभी तक डिस्पैच भी नहीं हुआ है ना भाई, आप लोग ट्विटर पे जाके ट्वीट करना चालू कर दो, क्योंकि मेल और कॉल से आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। बट गाइज, जैसे जैसे डिलीवरी मिल रहा है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा अरमान मलिक जी, जो हमारे सब्सक्राइबर कम व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर है, उनका S1X का यूजर रिव्यू मैंने चैनल पे अपलोड किया था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर जरूर देखना। तो गाइज, अरमान मलिक जी का गाड़ी रिसेंटली ना डेड हो गया था, फिर उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस का क्या रोल है यहाँ पे, उनको कितना टाइम लगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। हाँ तो भाई लोगों, फाइनली मेरे को जो मेरी गाड़ी है वो मेरे को मिल गई है वापस। हम लोगों ने क्या करा, पहले तो टो कराई गाड़ी को, है ना। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ हम लोग लोग कैसे कैसे करा। और मैं कह रहा हूँ, उन्होंने गए हम लोग शोरूम में और वो बंदा वहाँ से नीचे से आया सर्विस में से, उसने सिर्फ विद इन 10 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी स्टार्ट करके मुझे दे दी। अब मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या करा और ये कैसे कैसे हुआ और क्या हुआ, पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, 30 तारीख की रात में मैंने गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया करीबन 11 बजे। उसके बाद उसने ऐप में टाइम बता रहा था कि 31 की सुबह 3 बजे तक ये गाड़ी आपकी सुबह चार्ज हो जाएगी, ठीक है। फाइनली मैंने क्या करा था, यूजली मैं 8-9 बजे चार्जर निकाल लेता हूँ, बट उस टाइम मैंने चार्जर निकाला नहीं था। मैंने चार्जर को निकाला 31 तारीख के वाले दिन सुबह के टाइम में, मैंने 1:30 बजे चार्जर निकाला था। यूजली मैं 8 बजे निकाल लेता हूँ, उस टाइम मैं भूल गया था तो मैंने 1 बजे निकाला चार्जर। तो उसके बाद से ये क्या हुआ, इसका डिस्प्ले कम्प्लीटली बंद हो गया, जो था बिल्कुल बंद हो गया। ना बटन काम कर रहे थे, ना मोबाइल से खुल रही थी, ना ऐप से खुल रही थी। मैंने इसको रिबूट करने की बहुत कोशिश करी, एक एक दो दो तीन तीन मिनट तक मैंने बटन दबा के रखा, स्टैंड को उठा के भी, स्टैंड को लगा के भी, लेकिन कुछ भी सॉल्व नहीं निकल रहा था। मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश करी मैंने पूरी करी, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि गाड़ी के नीचे जो सीट है उसके आगे एक नॉर्मल सा नट है, वो मैं आपको फोटो डाल देता हूँ उस। तो वो मैंने खोल के, मैंने उसका जो डब्बा होता है अंदर का पूरा मैंने वो भी खोल लिया था, लेकिन उससे भी मेरे को कोई ऐसा खास रिजल्ट हाथ में नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं चल रहा था कि हमें करना क्या। मोटा मोटा मेरे को आइडिया था कि गाड़ी के अंदर फ्यूज़ की दिक्कत है, फ्यूज़ निकालने के बाद, फ्यूज़ वापस डालने के बाद या फ्यूज़ को बनाने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। मैंने गाड़ी को लटाई और नीचे जहाँ पे हब मोटर लगी हुई मैंने वहाँ हाथ डाल के दो स्विच भी देखे जिसके अंदर दो फ्यूज़ थे, बट उसको भी मैंने खोल के लगाया, लेकिन उससे भी गाड़ी के अंदर जो था कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब फिर मैंने गाड़ी को खड़ी कर दी फाइनली। उसके बाद ना मेरे को लगा कि शायद हो सकता है कि भाई चार्जिंग के चक्कर में हो गया, लेकिन चार्जर जो था वो मेरा सुबह बंद था। मतलब सुबह जैसी गाड़ी चार्ज हो जाती है, मैंने जितने दिन से गाड़ी ली है ना, मैं रोज़ चेक करता हूँ, मेरी जैसी गाड़ी फुल होती है उसके 15-20 मिनट बाद चार्जर ऑटोमेटिक कट हो जाता है और बंद हो जाता है। और जो 31 की सुबह वाले दिन भी यही था, चार्जर में लाइट जल रही थी ग्रीन कलर की, लेकिन जो मेरा चार्जर होता है बड़ा वाला उसका जो फैन था वो बंद पड़ा था, और ऐप में मेरे को दिखा था अनप्लग चार्जर, गेटिंग योर चार्जर अनप्लग चार्जर, इसके अलावा मेरे को और कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो ओवर चार्जिंग के चक्कर में ये ऐसा हो गया, लेकिन अभी पहली बार ही हुआ है। मतलब मैं हमेशा ओवर चार्जिंग में ही गाड़ी को रखता हूँ, मतलब रात को अगर मैं 11 बजे लगा रहा हूँ चार्जिंग पे तो वो बोलता है कि सुबह 3-5 बजे तक चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद मैं उसको निकालता हूँ 8-9 बजे 10 बजे 8:30 बजे 9 बजे, तो ऑलरेडी हम लोग 3 घंटे चार्जिंग होने के 3 घंटे बाद ही मैं उसको चार्जर से निकालता हूँ। तो अब तक तो ये दिक्कत आई नहीं थी, लेकिन अभी ये दिक्कत कैसे आ गई इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है ओवर चार्जिंग हो या नहीं भी हो, कुछ कह नहीं सकते। मैंने उनसे पूछा कि आपकी टो वैन वगैरह जाएगी ओला वाले सर्विस वालों से, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ से जाएगी तो भैया 2-3 हज़ार रुपये लग जाएंगे, आप अपने ना इंश्योरेंस में चेक करो। तो अपने ग्रुप में एक तुषार पटेल करके हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि आप है ना ये सब कर लो, वेकना मोड वगैरह काफ़ी हेल्प करी, लेकिन उनसे भी वहाँ पे कोई डील नहीं बैठी। फिर उन्होंने पूछा कि आप अपना इंश्योरेंस मुझे भेजो, उसमें रोड साइड ब्रेक असिस्टेंट होगा, वो मैंने देखा तो मेरे अंदर था, और जो मेरा इंश्योरेंस था वो गोज डिडिट करके था। तो फिर मैंने उनसे बात करी, उनका फ़ोन तुरंत लग गया, मतलब रात को लिटरली 12 बजे मैंने उनको फ़ोन करा था, तब भी उनका फ़ोन लग गया और उन्होंने मुझे पूरी गाइड करी। सबसे बेटर जो मुझे लगा ना ओला के अंदर वो लगी इंश्योरेंस वाले, जिन्होंने एक मिनट में मेरी सुनवाई भी कर ली, मुझे नंबर भी प्रोवाइड कर दिया, और सुबह वो बंदे का भी भेज दिया, और वो जो बंदे थे भैया लेने आए थे, राम सिंह नाम था उनका, इतनी बड़ी गाड़ी थी उनकी, लिटरली मान के चलो 12-13-15 फुट की गाड़ी थी लंबी, वो मेरे घर तक बिल्कुल डोर के बाहर आए, हमने वहाँ पे गाड़ी चढ़ाई,
गाड़ी को लेके फिर हम लोग सर्विस सेंटर पहुंचे। अब सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद जो मेरे साथ सीन हुआ ना, वो सिर्फ 10 मिनट में बंदे ने गाड़ी मेरी ऑन कर दी और उस बंदे ने मेरे को ये भी बताया कि भैया आप ऐसे ऐसे कर लो तो आपको हो जाएगा। मैंने ना उसके सामने जब मैं गया उसके पास नीचे के भैया मेरी गाड़ी आई है RCID यहाँ से, मतलब इंश्योरेंस की तरफ से मेरी गाड़ी आई है, मेरी गाड़ी बंद पड़ी है ऐसे। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने लिटर वैसे तो मैं काम जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई मैं बजाज शोरूम से ही हूँ। तो उसने बोला भैया फिर तो आप घर बैठे ही कर लिया करो ये काम। तो उसने मेरे को तरीका बता दिया कि आपको कैसे कैसे करना। जनरली है अगर आप सीट वगैरह खोल लोगे तो ये दिक्कत आप लोगों को भी कभी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। दूसरा मैंने उससे पूछा सर्विस वाला कि अगर मैं इसकी घर पर वॉश कर दूँ, तो उसने मेरे को बोला कि भैया आप पूरी गाड़ी को डुबा दो पानी के अंदर, मतलब लिटरली पूरी गाड़ी जो है ना आप पानी के अंदर डुबा के आराम से सर्विस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आज सर्विस करूंगा उसकी फोटो डालूंगा सर्विस के भी। तो इस तरीके से आज जो है हमारी गाड़ी बिल्कुल विदिन 10 मिनट जैसे मैंने डिग्गी खोल ली है। अब ये वो मैं नट कह रहा था, ये मैंने उनसे पूछा भाई क्या मैं उसको वेल्ड करा लूँ या फिर मैं दूसरा लगा लूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया ये मत करना, अगर ये कर लिया तो फिर क्या अपन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी गाड़ी खोलने करने में, क्योंकि उस गाड़ी का जो मेन एक्सेस है ना वो इस नट से ही है। हालांकि ये चोरी होने का भी डर है, अगर जिस इंसान को मालूम चल गया गाड़ी ऐसी खुल सकती है तो ये 100% चोरी होने का चांस हमारे लिए हो जाएंगे। ठीक है, फाइनली उन्होंने ये खोला, उसके बाद क्या करा उन्होंने ये यहाँ से खोलने के बाद यहाँ पे गाड़ी में लॉक लगा हुआ था, तो उन्होंने नाम को बताता हूँ, ये गाड़ी का जो जो टूल किट होता है इसमें एक एलन की थी, ये वाली ये मेरे पास ये है। उन्होंने क्या करा इसको ये यहाँ डाला ऐसे, ये वाली जो है मेरी वाली बड़ी है, उनके पास इससे पतली वाली एलंकी थी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इससे जो पतली वाली एलंकी है, जो इस होल के अंदर देखो यहाँ पे एक होल है, ये दो लेबल लगे हुए हैं इसके ऊपर, आप देखोगे अपनी गाड़ी खोल के यहाँ पे एक होल आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये होल है, हालांकि आप इसको भी आड़ा तिरछा करके डालोगे तो ये घुस ही जाएगा अंदर। ये क्या होगा, यहाँ घुसने के बाद उन्होंने ऐसे इसको प्रेस प्रेस करा 2-3 बार, तो ये जो यहाँ वाला जो लॉक है ये ऑटोमेटिकली खुल गया। तो क्या हुआ, मेरी सीट पूरी कंप्लीट फ्री हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या करा, ये मेरे के अंदर ये जो है ये इसका मेन सर्किट यही है, ये पहले यहाँ पे था ही नहीं, ये क्या था ऐसे ढकना ढका हुआ था, फिर उन्होंने ढकना हटाया, उसके बाद ये मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, इस एलंकी से इधर से उधर हाथ डाल के यूं कर कुला के ऐसे करके बाहर निकाला, तो ये जो तार था ये उनको मिल गया था। ठीक है, ये तार मिलने के बाद तो क्या था, बस उसको सिंपली खोलना था। उन्होंने खोला, 1 मिनट ढका, 2-4 फूंक मारी, देन लगाया बस। उसके बाद मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक पूरी कंप्लीट चालू हो गई। इसके अलावा उन्होंने अदर कुछ भी नहीं करा और मेरे को भी यही बोला कि अगली बार वो तो भैया आप ये आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने भैया को बोला कि भैया आप तो इसको ना ऐसा करो यहीं रहने दो, मैं इसको ऐसे करके काम चला लूँगा। बस ये है कि आप ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो छोटी मोटी चीज़ होती है वो क्या इसके अंदर जाके फिर बाहर नीचे नहीं गिरे, है ना। हालांकि ये यहाँ अगर परमानेंट फिक्स हो जाता तो ये काम सही हो जाता, या इसको अपन यहाँ कहीं दे देते, ये जो जगह खाली पड़ी है इसको यहीं दे देते तो ये थोड़ा सही रहता। अब इसमें कोई भी पतली पतली चीज़ मुझे नहीं रखनी है जिससे ये गाड़ी नहीं गिरे। बाकी ये तरीका जो मैंने बताया बहुत बढ़िया है, इजी टू यूज़ है, आराम से काम हो गया मेरा, गाड़ी जल्दी फ्री भी हो गई। मुझे तो टेंशन आ गई थी कि गाड़ी को 10 दिन ही हुए हैं और 10 दिन में इतनी बड़ी बात हो गई है, लेकिन गाड़ी जो है वो फिलहाल बड़ी जल्दी फ्री हो गई।